मध्य प्रदेश नर्सिंग कॉलेज घोटाला मामले में एक नया मोड़ आ गया है। देर शाम पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, रवि परमार और कांग्रेस नेता विवेक त्रिपाठी सीएम आवास नर्सिंग घोटाले के सबूत लेकर पहुंचे थे। रात में रवि परमार का वीडियो वायरल हुआ। भाजपा के मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के पोस्ट को शेयर करते हुए लिखा कि झूठ का झुनझुना बजाने वाली कांग्रेस के दफ्तर पीएससी में नर्सिंग घोटाले कथित व्हिसलब्लोअर रवि परमार का स्ट्रिंग वीडियो है। इस पर रवि परमार का बयान सामने आया। रवि परमार ने कहा कि मैं नर्सिंग छात्रों की लड़ाई लड़ रहा हूं, मुझे गिराने की पहले भी कोशिश की गई, जेल भेजा गया, लाठियों से पीटा गया, हथकड़ी लगाकर घुमाया गया, 50,000 तक के बॉन्ड भरवाकर मेरी आवाज दबाने की कोशिश की गई, पर जब वे सफल नहीं हुए तो नीचता पर उतर आए। भारतीय जनता पार्टी अब अपनी राजनीति के निचले स्तर पर फिर उतर आई है। जिस तरह से फर्जी वीडियो बनाकर, एआई के माध्यम से वीडियो बनाकर, जब वो मुझे धन बल और बाहुबल के माध्यम से नहीं डरा पाए, नहीं इस मामले को दबा पाए, तो अब साइबर अटैक के मामले से इस पूरे नर्सिंग घोटाले के मामले को असफल प्रयास कर रहे हैं दबाने का। और जिस तरह से इस नर्सिंग घोटाले में मैंने लड़ाई लड़ी है, मैं पिछले 4 सालों से लड़ाई लड़ रहा हूँ, जेल तक गया, 10 से 20 से 50,000 तक के बोन तक भरे, लेकिन मैंने ये लड़ाई नहीं छोड़ी। और ये नर्सिंग छात्रों की लड़ाई है और ये लड़ाई मेरी हमेशा जारी रहेगी, ये लड़ाई कभी खत्म नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछना चाहता हूं कि कूटरचित वीडियो जो आपने जारी किया है, ये किस आधार पर जारी किया है? आप अगर ये वीडियो में सत्यता है तो अपने अकाउंट से डालिए, मैं कानूनी कार्रवाई करने कानून के माध्यम से, कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से कानूनी करवाऊंगा। और जिस तरह से फर्जी वीडियो जारी किया गया है, यह पूरी तरह से कूटरचित वीडियो है और एआई के माध्यम से इस वीडियो को बनाया गया है। और इस वीडियो के माध्यम से नर्सिंग घोटाले और नर्सिंग छात्रों की आवाज को दबाने का असफल प्रयास कर रही है भारतीय जनता पार्टी, तो यह प्रयास उनका असफल रहेगा। इस प्रयास में वो सफल नहीं होंगे। नर्सिंग छात्र छात्राओं की लड़ाई मेरी निरंतर जारी रहेगी और नर्सिंग घोटाले के दोषियों को जब तक जेल के सलाखों के पीछे नहीं पहुंचा दूंगा, तब तक मेरी यह लड़ाई जारी रहेगी।